काशीपुर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। भाजपा अपने सभी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत बनाना चाहती है। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित गोमती हाइट में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मोर्चा पदाधिकारियों के साथ 2 दिवसीय बैठक की। बैठक का आरंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बैठक में भाजपा से संबंधित सभी पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने हेतु विशेष चर्चा की गई। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा कैसे मजबूत संगठन बनाकर उभरे, इस पर विचार हुआ। बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खिलेन चौधरी आदि मौजूद रहे। 2 दिन की बैठक हमारी जो 70 के 70 विधानसभा में हम लोग 5 माह के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेजे हैं। उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का 2 दिन का कार्यक्रम था और किस रूप में बूथ की इकाई को मजबूत करना है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, उस दृष्टि से लगातार 2 दिन तक उनकी चर्चा हुई। विभिन्न सत्र, लगभग 7 सत्र बैठक करें, उनमें उनके द्वारा भी सुझाव आए, आर्थिक प्रदेश के विषय है उन पर चर्चा हुई है और किस तरीके से बूथ जीतो, चुनाव जीतो, इसके लिए बूथ कमेटी को सक्रिय किस रूप में किया जा सकता है, पार्टी के जो कार्यक्रम बूथ स्तर पर निर्धारित है उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से, दिशा के सारे विषय उस वर्ग में रहे। कल हमारे जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारियों के साथ हमारी बैठक थी। जिले के अंदर क्रांतिक परिदृश्य, जिले के अंदर लोग घोषणा पत्र में आने वाले बिंदु क्या क्या है, पर हमने चर्चा की है और कार्यक्रम के स्वरूप, जिले की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग प्रकार की होती है, प्रदेश जिलों का भौगोलिक परिदृश्य अलग होता है, मैदानी जिलों का भौगोलिक परिदृश्य अलग होता है, तो संख्या की दृष्टि से कार्यक्रम की सफलता को हमने निर्धारित किया है। अनेकों कार्यक्रम इस बीच हम करने वाले हैं, उन कार्यक्रम का ठीक प्रकार से उसका संचालन हो, इस दृष्टिकोण की रचना कल रात की बैठक में की है। 2 बैठकें हमारी बहुत जल्दी महत्वपूर्ण बैठक हम लोग करने वाले हैं। एक तो 4 तारीख को संयुक्त मोर्चा बैठक, पदाधिकारी बैठक हमने देहरादून में बुलाई है। संयुक्त मोर्चा बैठक से मेरा आशा है कि हमारे जो 7ों मोर्चे हैं, 7ों मोर्चों के पदाधिकारी आएंगे और हर मोर्चे के कार्यक्रम की श्रृंखला उसमें कुछ हाथ पदाधिकारी बैठक तय करेंगे, उसका क्रियान्वयन बैठक में हो जाए, उस दृष्टि हमने बुलाई है। 7 तारीख को लोकसभा चुनाव की योजना बैठक, जिसमें हमारे सभी प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारी पार्टी कोर टोली, इनके साथ हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सहप्रभारी वर्मा जी और राष्ट्रीय मंत्रियों में राष्ट्रीय केंद्रीय पदाधिकारियों में कोई ना किसी का उस बैठक में आना होगा। लोकसभा का बजट का विषय की चर्चा हो सकती है, लोकसभा जनसभाएं कहाँ कहाँ क्यों नहीं है, किस नेता की जनसभा किन स्थान पर की जा सकती है, विधानसभा के अंदर सामाजिक दृष्टि किन नेताओं को हम बुलाएंगे, इस सारे विषय का आज के राजनीतिक परिदृश्य पर उत्तराखंड में किन किन विषयों पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, विरोधी दल द्वारा जो चीजें तय हो रही हैं उनका काउंटर किस रूप में किया जाता है, इन सारे विषयों की चर्चा हम लोकसभा के अपने उस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तीसरा, हम लोगों ने पिछले दिनों समाज के हर वर्ग को जो 10% मत प्रतिशत बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है और पिछली बार 55 से 60% तक टोटल पोलिंग का भारतीय जनता पार्टी में हर लोकसभा के अंदर हुआ है, इस बार हम 75% अधिक मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़े, इसके लिए हमने व्यापक रणनीति तैयार की है। उसी के तहत आपको जानकारी होगा, हमने सिख युवा सम्मेलन अभी यही इसी तराई क्षेत्र में किया है और देहरादून के अंदर अभी मोदी है ना ऐसा युवा मोर्चे के बड़े कार्यक्रम देहरादून के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधि प्रधान से लेकर और लोकसभा तक सदस्य तक के हमने उनके बीच में अपने कार्यक्रम लिए हैं, उनको हमने उन संबंधित बूथों की जिम्मेवारी दी है जहाँ पर समाज की संख्या ज्यादा है। आगामी दिनों के अंदर भी भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं, बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र जुड़ा युवा नहीं होता है लेकिन उसका ITI में, पॉलिटेक्निक में, विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है लेकिन मोदी फिर देश में भागदौड़ संभाले, ऐसी भावना इच्छा उनकी रहती है, उन सब लोगों को बुलाते हैं। लगभग 2500 से 3000 जो युवा हैं उनके कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा सत्र में करने वाले हैं। इसी प्रकार लाभार्थी, बड़ी लाभार्थी संपर्क का अभियान हमने लिया है, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, पहले तो केवल 4 जिले आपने गाँव क्षेत्र के दिए लेकिन पूरे प्रदेश तय हुआ है। हमारा नाई है, मोची है, बड़ई है, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको सरकार द्वारा योजनाएं तय उनके प्रशिक्षण के लिए भी के समय का भी मान देते हैं, इसको उन तक लाभ पहुंचा सके उसकी रचना, उसके स्वरूप के कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं।
लाभार्थी हर क्षेत्र के लाभार्थी, खासतौर में कहता हूँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हूँ, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी, उनके सपरिवार के कार्यक्रम में हम लोग करने वाले हैं। लाभार्थी का सपरिवार कार्यक्रम, उनमें उनका अनुभव क्या, उसमें कहाँ त्रुटि रही, सब विषय की चर्चा हम लोग करेंगे। एक प्रकार से 10% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बढ़े। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।